आज हम कोल्सलो सैंडविच बनाएंगे। कोल्सलो सैंडविच इतने यमी और टेस्टी होते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं और इवनिंग स्नैक के रूप में भी खा सकते हैं। कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए भी बच्चों को स्नैक के रूप में रख सकते हैं, या फिर आप ट्रेन में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं तो भी बड़े मज़े से खा सकते हैं। हमने इसमें बंद गोभी यूज़ किया, कैरेट की यूज़ किया है। कैरेट को अच्छी तरह से धोकर छील कर घिस लिया है लंबे लंबे ग्रेटर में, और हमने गोभी को महीन महीन लंबा लंबा पीसेज में कट कर लिया है। अब हम एक बाउल में सबसे पहले गोभी ले रहे हैं। गोभी हमें थोड़ा कम चाहिए, हम दो ही सैंडविच बना रहे हैं तो हमने थोड़ा कम कर लिया है। कैरेट भी हम उसी के हिसाब से आधा ले लेंगे। आपका मन है तो ऑनियन भी आप लंबी लंबी काट कर डाल सकते हैं और शिमला मिर्च भी काट कर डाल सकते हैं, हमने वो दो चीज़ नहीं डाली है। अब इसमें हम लेंगे मेयोनीज। मेयोनीज लेंगे हम 3/4 कप, और 1/4 कप लेंगे हम टोमेटो सॉस। टोमेटो सॉस दोनों मिक्स करने के बाद बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसीलिए हमने दोनों को मिक्स करके लिया है। आप चाहें तो सिर्फ मेयोनीज भी डाल सकते हैं। मेयोनीज अभी हमें कम लग रही है तो हम ऊपर और डाल देंगे, क्योंकि ये अच्छा है, पूरा मिक्सिंग बन जाना चाहिए जिससे कि एक दूसरे से लिपटा हुआ बहुत ही ज़बरदस्त हेल्दी एंड टेस्टी ये आइटम बने। हमने ब्रेड के साइड्स को कट कर लिया है, क्योंकि 5-स्टार होटल्स में आप देखते हैं कितना सॉफ्ट सॉफ्ट सैंडविच आता है और किनारी भी निकली रहती है, इतना यमी कैसे बनेगा वही हम आज बनाना बता रहे हैं। देख लीजिए, आपको चाहे तो हेल्दी के हिसाब से आप बटर नहीं लगाना चाहें तो मत लगाइए, दोनों तरफ बस आप ये मेयोनीज को लगा सकते हैं। मेयोनीज को आप अलग से भी एक्स्ट्रा पहले एक साइड में लगा सकते हैं, दूसरी साइड में बटर लगा सकते हैं, परंतु हमने सारा मेयोनीज ये पूरे घोल में ही रेडी किया है, जो मिक्सचर बनाया है अलग से हमने नहीं लगाया है। बहुत से लोग अलग से भी खाना लगाना पसंद करते हैं, और आप भी लगा सकते हैं। इस घोल के ऊपर चीज़ भी अगर आपकी चॉइस है तो डाल सकते हैं, सब आपकी चॉइस पर ही निर्भर है। हमने बहुत सादा सिंपल तरीके से आपको बहुत ही जल्दी बनने वाला ये सैंडविच बताया है, बहुत ही यम्मी बना था, बहुत ही टेस्टी, सबको घर में बहुत पसंद आया। आप भी अपने घर में ज़रूर बनाएं और ज़रूर खाएं, सबको खिलाएं, फैमिली में सबको पसंद आने वाला। मैं आपको ये ग्रिल करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ग्रिल करना है तो भी कर सकते हैं। इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ी सी डाली है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर के साथ आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं और सीजनिंग भी डाल सकते हैं। अब आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का खाना पसंद है। आप पुदीना चटनी भी लगाकर ब्रेड पर ये इस घोल को लगा सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली बस लिए पूरा मिश्रण को डाल दीजिए ब्रेड में और ज़बरदस्त टेस्ट कोल्स्लो सैंडविच खाइए। आप इसको रोस्ट करना चाहें तो तवे पर भी रोस्ट कर सकते हैं, सैंडविच मेकर में भी कर सकते हैं, और सैंडविच मेकर एक इलेक्ट्रिक वाला आता है उसमें भी लगा सकते हैं। ये देखिए, हम इसको ज़बरदस्त तरीके से सजा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी पीसेज इसमें हम लगा कर भी खाएंगे तो बहुत यमी लगता है। आप देख लीजिए किस तरीके से हमको गार्निशिंग करनी रहती है। सैंडविच हमारा रेडी है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। किनारे तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, बस बीच में से आप तिकोनी शेप में कटिंग कर दीजिए, और इससे भी छोटी शेप में आपको चाहिए तो उसके भी दूसरी साइड से तिकोनी शेप में ही कटिंग करना है। बड़े आराम से हाथ से रख कर ही कटिंग करना पड़ता है, क्योंकि बीच में से कोई भी आइटम खिसक सकता है और निकल सकता है, तो सेफ्टी से ये काम करें, चाकू पहना लें और आराम से इसको कटिंग करें, और फिर अच्छे से तरह से ट्रे में सजाइए और ज़बरदस्त तरीके से बच्चा हो या बड़ा सबको पेश कीजिए। क्या बढ़िया लग रहा है ये सैंडविच, देखने में इतना खूबसूरत हो, खाने में कितना होगा आप ही सोच सकते हैं। सच में इतना यमी ये सैंडविच लगता है, मैंने जितने भी तरीके बताए उस तरीके से भी बना सकते हैं, आप घर में ज़रूर बनाएं। दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ढेर सारे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया
तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर ये सैंडविच की रेसिपी भेजिए, जिसे भी वो भी बढ़िया फाइव स्टार वाला ये होटल जैसा सैंडविच घर में ज़रूर बनाकर खाएं, और आप भी खाएं, अपने घर वालों को खिलाएं। बाय बाय, टेक केयर।